नगरी में गैर कानूनी तरीके से पुलिस के बल पर आदिवासियों की जमीन लूटने की कोशिश हो रही है आईआईएम और आईआईटी बनाने के नाम पर। नगरी गांव रांची शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आदिवासी बोल गांव में 600 घर हैं और जनसंख्या लगभग 3000 है। यहाँ के लोगों का जीवन पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। अपना जमीन है तो आप हम लोग का जमीन में तो इतना बारिश उरिश हो रहा है तो हम लोग को तो रात को नींद नहीं आ रहा है कि हम लोग का जमीन ऐसे ही है, किसी तरह हम लोग रोपेंगे। और अब तक हम लोग जो खेती करते हैं यहाँ से जो धान उपजता है उसी धान को हम बेचते हैं, उसी को हम लोग खाते पीते हैं और उसी से हम लोग हर तरह का पढ़ना लिखना पालन पोषण कपड़ा तो उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। अगर आज इस जमीन को आज अगर हम लोग दे देंगे तो कल क्या सिखाएंगे। ग्रामीणों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन फैसला ग्रामीणों के पक्ष में नहीं आया। ये जमीन कहीं से सरकार के कब्जे की नहीं है, अधिग्रहण नहीं हुआ है, इसका ये अधिग्रहण हुआ ही नहीं है, इस पे सरकार अवैध कब्जा कर रही है। इस तरह की बाउंड्री करके सरकार ने दिखाया है कि वो ऑक्यूपाइड कर ली है, इसका पोजीशन है सरकार का। तो हम खेती करके दिखा रहे हैं कि ये मेरा पोजीशन है और ये हमारी जमीन है, गांव के लोगों की जमीन है। और सबसे बड़ी बात है कि एक साल की खेती से 3 साल लोग चलाते हैं। झारखंड की धरती पर, बिरसा मुंडा की धरती पर आदिवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रकाश टाटिया जी यह भी कहते हैं कि नगरी के भवन खेती योग्य नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर नगरी की जमीन खेती लायक नहीं है तो क्या नगरी की आदिवासी पिछले 60 साल तक मिट्टी खा के जिंदा थे? इसी कारण ग्रामीण अपनी जमीन अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर कर विरोध करने का तरीका अपनाया और सरकार पर पारंपरिक कानून और संवैधानिक कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया है।